नेता बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अब सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। एनएच पर पिकअप की लूट करने वाले मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार। वहीं सासाराम से पिकअप को बरामद कर लिया गया है। उधर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत एनएच 33 पर बाड़ाबाकी पुल के पास चाकू दिखाकर पिकअप वैन लूटने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सीतगोड़ा बाबूडी निवासी सूरजगिरी और उसके सहयोगी धनंजय सिंह शामिल है। इस मामले में चालक से लूटे गए 90,000 रुपए सभी ने खर्च कर दिए। इनके निशानदेही में पुलिस ने लूटे गए पिकअप वैन को बिहार के सासाराम के एक बाड़ाबाकी पुल पे लूट की घटना हुई थी। पिकअप वैन लूटा गया था। इसमें तो लूट की घटना में एक हमारे यहाँ एमजीएम थाना कांड संख्या 5321 प्रतिवेदित हुआ था और इसी में अनुसंधान करते हुए पुलिस के द्वारा जो है जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम है सूरजगिरी। कितने लोग हैं इसमें? अभी हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं। जो मेन अभियुक्त है इस कांड का सूरजगिरी, वो गिरफ्तार हो गया है और पिकअप वैन को बरामद कर लिया गया है। दूसरा कौन है? दूसरा एक धनंजय सिंह है। वो कौन? धनंजय सिंह ही वही व्यक्ति है जो पिकअप वैन को बेचवाने का काम किया था। इस संबंध में जांच चल रहा है। कहां पर बिचवाने का काम किया था? ये एक सासाराम जिला बिहार का सासाराम में एक नंदजी नामक व्यक्ति है, उसी के यहां बिचवाया था। कितने में बेचा था ये? 40,000 रुपए। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।